हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर पालमपुर। यहाँ पे आएंगे आप तो अपने आप पालमपुर भी जैसे हर शहर होता है, अपने को खुद को अपने आप खुलता है आपके सामने, कई चीज़ें दिखाता है, कई चीज़ें आप समझते हैं। हम भी एक ऐसी ट्रिप पे यहाँ आए थे, रास्ते ही हमें रास्ता दिखाने लगे और बिना किसी प्लान के बिना जाने हम पहुँचे परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर में, और वहाँ पे उनके पिताजी से हमारी भेंट हुई। उन्होंने एक स्वाभाविक संवाद में जो बातें की, उससे जो बातें हुई वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, सुनिए और जानिए कि कौन सा माहौल ऐसा होता है जो कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लेजेंड्स को बनाता है, और शायद कुछ तो सीखने को भी मिलेगा, और मेरे जैसे आप भी पालमपुर से प्यार कर बैठेंगे। बच्चों में भी लोग खड़े हुए होंगे तो वहाँ पर पहचान लेंगे कि विक्रम शहर ऐसे उनकी औरा भी था, उनका बहुत ज़बरदस्त औरा था उनका। हम बड़े हैंडसम थे बचपन से, और बचपन से ही बड़े मेधावी भी थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे, और ऑलराउंडर थे। अब ऑलराउंडर कहूँ या परफेक्शनिस्ट कहूँ तो परफेक्शनिस्ट भी थे। जिस काम को भी करना है उन्होंने वो पूरे परफेक्शन के साथ करना है, और उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं जो है एक बहुत अच्छे तरीके से जो है हर चीज़ को करूँ। खाने पीने के शौकीन थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, और उनमें ना गॉडली वर्च्यूज बहुत थी। अच्छा, गॉडली वर्च्यूज ही नहीं कि भाई बड़ों की रिस्पेक्ट करना की आदत में शुमार था। छोटे थे तभी सारे नगर में वो पॉपुलर थे, और इसीलिए पॉपुलर थे कि बड़ों की बहुत इज्जत करते थे, वो छोटों से बहुत प्यार करते थे, और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, हेल्पफुल बहुत थे, किसी को किसी भी टाइम पर इवन रात को 1 बजे की जरूरत पड़ जाए तो ही चल रेडी टू गो, किसी तरह की किसी की हेल्प रेडी टू हर तरह से, और बड़े निडर और साहसी भी बचपन से थे, लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत थी उनमें। तो तभी मैंने आपको कहा कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थे, गॉडली वर्च्यूज उनकी भरी हुई थी उनके अंदर। इट वाज प्री डिसाइडेड कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन करनी थी, और देखिए मैं बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन मुझसे बार बार किया जाता है कि कैसे उनमें ये गुण सारे आए, और कैसे इतनी उनमें बहादुरी ब्रेवरी कैसे आई है। इसका मेरा सिंपल सा जवाब ये होता है कि जो परिवार होता है ना, परिवार बच्चे की व्यक्तित्व की बुनियाद डालता है, परिवार ही आपके बच्चे की व्यक्तित्व की बुनियाद है। इट इज द फर्स्ट स्कूल, मदर एंड फादर दे आर द फर्स्ट गुरुज आल्सो। उनकी माता जी बचपन से ही, उनका प्रारंभ से ही यही था कि वो बड़ी राम भक्त रही, मैं कृष्ण भगवान का डिवोटी हूँ, वो राम भक्त है। शुरू से ही उनका एक अभ्यास था कि रामायण का पाठ उन्होंने वो करती रहती थी, जब उसका समापन होता था तो वो समापन करती थी और फिर से शुरू कर देती। तो कुछ उसके जो दोहे पंक्तियाँ रोज का उनका नियम था जो करती, और बड़ा धार्मिक सा वातावरण घर में, एक बड़ा अच्छा वातावरण उनको प्राप्त हुआ। संस्कार डाले जाते हैं, और डिफेंस का कुछ बैकग्राउंड घर का, डिफेंस का बैकग्राउंड तो देखिए इनके जो नाना जी थे जी, वो सूबेदार रिटायर हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उन्होंने 2 बार जो वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर
एक चीज और आ जाती है, कुछ वंश की भी बात आती है। हम लोग खत्री हैं, पंजाबी खत्री हैं। अच्छा। खत्री जो होते हैं वो क्षत्रिय ही होते हैं वास्तव में। पंजाब में जो खत्री हैं वो क्षत्रिय ही है, बाकी जगह पर छत्री कहा जाता है, पंजाब में उसको खत्री कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि पंजाबी में छा नहीं है, वो खा ही इस्तेमाल अच्छा। होता है। तो जैसे जेनेटिक हो गया। हाँ, जेनेटिक हो गया। तो वो खत्री जो है वो क्षत्रिय ही है वास्तव में, जो नॉर्थ इंडिया। हाँ, 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 हाँ। तो क्षत्रियों का कर्म और फर्ज आप जानते हैं, समय की बात है। समय की बात है, क्षत्रियों का काम तो यही था कि समाज की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, क्षत्रियों का काम था। वही कार्य, वही जीन्स होते हैं, वही सब रक्त होता है, तो ऐसा होता है उसके हिसाब से। तो बचपन से मैं भी अक्सर उनको ये कहानियां सुनाता था। अच्छा। तो अब बच्चे छोटे होते हैं, आप जानते हैं कि बच्चे माँ बाप से या नाना नानी दादा दादी से जिद करते हैं कि कोई कहानी सुनाइए। सोने से पहले तो अक्सर रात में तो ये बात ही होती है कि कहानी सुनाइए जी। तो मैं हमेशा उनको कहानियां सुनाता था वीरों की, छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां, भगत सिंह जी हैं जी, यही कहानियां मैं अक्सर उनको सुनाता था। चंद्रशेखर आजाद है, मुझे आज तक याद है कि मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप किस तरह जंगल जंगल भागते रहे लेकिन हार नहीं मानी, अपने बच्चों को घास की रोटियां खिलाई लेकिन हार नहीं मानी। मैंने आज तक मुझे याद है कि मैंने बताया उनको कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को उनके सामने जिंदा चुन दिया गया है लेकिन झुके नहीं, और किस तरह से आजाद ने गोली मारी और बाद में उनको गोली लगी लेकिन अंग्रेज फिर भी उनके पास आने से डरते थे कि कहीं जिंदा ना हो गए। दैट वाज द इंपैक्ट ऑन हिज माइंड, उनके दिमाग के ऊपर ना एक असर था। बच्चों का दिमाग कोमल होता है, टेंडर माइंड। जो छाप बन गई है एक बार बन गई है, सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, वो आपकी एक व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे उनकी आगे बढ़ते गए, यंग होते गए, तो फिर उसमें हुआ ये कि वो उनकी पढ़ाई हुई है केंद्रीय विद्यालय में। हाँ। तो केंद्रीय विद्यालय नॉर्मली आप जानते होंगे कि सारे कैंटेरियाज में होते हैं। हाँ। हाँ। तो यहाँ पर भी पालमपुर में जो केंद्रीय विद्यालय है तो वो कैंटेरिया में है। हाँ। तो अब वो जब स्कूल जाते थे तो अक्सर वो देखते थे, यही घर था, नहीं घर हमारा सिटी में था, उसे बाद में बनाया इसको। जब वो आर्मी एरिया में हमेशा उनका कांटेक्ट वही आर्मी वालों से ही होते हैं, उनके बच्चों के साथ फ्रेंडशिप भी थी उनकी, और वो बहुत इंप्रेस थे डिसिप्लिन से। अच्छा। आर्मी लाइफ का जो डिसिप्लिन है, आर्मी अफसर्स की जो लाइफ है, उससे वो काफी इंप्रेस थे। तो तभी उनके मन में एक ये धारणा हो गई थी कि मैं आर्मी अफसर बनूं। अच्छा। हालांकि जब कॉलेज कर रहे थे चंडीगढ़ में वो, तो मर्चेंट नेवी में भी उनका सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। और वो भी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी में, काफी हाई पर्क्स होते हैं उनके, डॉलर्स में मनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर चुकी उनके दिल में एक बात घर कर चुकी थी कि नहीं वो आने जाना, एक पेट्रियोटिज्म भी उनके अंदर आ गया था, जैसा कि बताया मैंने आपको, देशभक्ति की भावना भी उनके मन में बस चुकी थी, और फिर एक डिसिप्लिन लाइफ का भी एक सपना उनके मन में था, और एक ये भी था कि नहीं मैंने तो कुछ करना है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना है, कुछ करना है जिंदगी में। तो फिर वो उन्होंने ये डिसाइड किया जब उन्होंने कॉलेज कर लिया वहाँ चंडीगढ़ से कि मैं तो आर्मी में कमीशन लूँगा, और फिर उसके लिए उन्होंने तैयारी की, सारी CDS की तैयारी की, और उसके बाद में उनका सिलेक्शन हुआ। और वो बड़े एक डिटरमिंड थे, दृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं, कि बस ये जाना है तो जाना ही है, जो भी करना है सो करना है, मतलब इतने दृढ़ संकल्प थे वो बिल्कुल। ये उनका एक मेन क्वालिटी था कि फर्म डिटरमिनेशन, जो संकल्प कर लिया है वो करना है। मैं बच्चे लोग पूछते हैं कि आप कहेंगे बच्चों से, तो ये दिस वाज हिज क्वालिटी कि वो एक फर्म डिटरमिनेशन था उनके अंदर। अच्छा। उस टाइम आप जब ये जब ग्रो करता है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे बच्चा जब
बड़ा हो जाता है, कुछ करता है, अचीव करता है, देन द आउटलुक चेंजेस ऑफ द पेरेंट्स. बचपन से फिर वो रिलेट कर पाते हैं, अच्छा है, ये तो इसी रास्ते पे जा रहा था. यानी शुरू में हो सकता है कि हमको हम चिंता करते हैं बच्चे जी, जी. पर जब वो उस रास्ते पे या उस जो उद्देश्य होता है लाइफ का, हम सबकी सर्च तो यही है कि हम किस लिए पैदा हुए, तो फिर जो माँ बाप का एक आउटलुक होता है वो टोटल चेंज हो जाता है. अभी जैसे आप उनको उनके कर रहे थे, जैसे होता है ना घर में होते, अरे बेटा इधर क्या कर रहे हो बेटा, इस टाइप का. बट देन ही मन से भी हमारा होता है कि नहीं, ही वाज समथिंग बिगर. बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. यही भावना मैं बता रहा हूँ आपको. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हर पेरेंट्स का जैसे जैसे बच्चा यंग होता है, कॉलेज करता है, तो उसके दिमाग में ही आती है कि अब इसके करियर के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि अब इसको कैसे सेटल होगा, ये कैसे सेटल करना चाहिए इसको. लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले में मेरा ये था कि मैंने ना बच्चों को लिबर्टी दे रखी थी. कई पेरेंट्स होते हैं ना कि वो बड़ा उनको प्रेशर कह लीजिए या कंट्रोलिंग कह लीजिए कि नहीं आपको ये बनना है, आपको ये करना है, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो. सो दैट हैज नॉट बीन माय, कभी मेरी ऐसी पॉलिसी रही नहीं कि बच्चों को किसी तरह से. तो मैं काफ़ी लिबरल रहा हूँ और मैंने इनको पूरा दे रखा था कि आप अपना करियर देखिए कैसे आप बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा करियर आप अपनी च्वाइस से बनाइए. तो जब इनका मर्चेंट का सिलेक्शन हुआ तो भी चलो हमें लगा कि ठीक है, अच्छा हो गया, चलो मर्चेंट में हुए. लेकिन लास्ट मोमेंट में जब इन्होंने ये उसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं मैंने नहीं मर्चेंट में नहीं जाना है, तो मैं तो केवल जो है कमीशन लेना है आर्मी में, तो भी हमें अच्छा ही लगा क्योंकि आर्मी के बारे में हम लोग भी जानते हैं, हमारे भी पूर्वज आर्मी में भी रहे हैं, और तब भी हमें अच्छा महसूस हुआ कि ठीक है ये बहुत अच्छा हो गया. तो और दूसरा उनका जो कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ने का, उससे पूरा मुझे तसल्ली था कि ये जो बच्चा है ये आगे जाके बहुत कुछ करने वाला है, ऐसा मैंने जजमेंट कर लिया था. क्योंकि आई हैड बीन एजुकेशनिस्ट, सो पता नहीं कितने, हाँ जी हाँ, कई बच्चे पढ़ाए किए, वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आई हैड. सो मैंने जजमेंट कर लिया था कि कोई आम आदमी नहीं है ये, कोई ऐसा उच्च व्यक्तित्व है ये, कुछ ना कुछ करेंगे लाइफ में ये. और लेकिन इतना कभी ध्यान नहीं आया था, इतना ध्यान में नहीं था कि ये जो इनकी ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस जो है वो इस तरीके से इनको अचीव होगी. मन में तो यही था, होता है हर पेरेंट्स के कि ये तो जनरल, अगर आर्मी में गए तो ही शुड बी अ जनरल, ही शुड बी अ गवर्नर, एंड ऑल आफ्टर रिटायरमेंट इवन देयर इज नो लिमिट, लिमिट इज दिस लाइफ, पेरेंट्स के लिए तो यही होता है. तो वो उस चीज में ग्रेटनेस आदमी सोचता है, लेकिन ये ग्रेटनेस अचीवमेंट बियॉन्ड एनीथिंग, रैंक, परमवीर मेडल, इसके पर्सोना जो है इतना वास्ट हो गया. हाँ वास्ट हो गया जी हाँ. क्योंकि मेरे साथ एक बार एक जनरल बैठे थे रिटायर्ड, तो काफी इज्जत करते थे मेरी, कहने लगे पत्र साहब ये विक्रम जो है ही वाज द अबव अवार्ड्स, यानी अगर कोई परमवीर चक्र से ऊपर का अवार्ड भी होता तो वो भी इनको ही छोटा ही पड़ता. हाँ वो छोटा ही पड़ता है जी हाँ. तो उनके मन में यही था कि मैंने कुछ करना है, वो अपनी इवन जान की भी उन्होंने परवाह नहीं की अंत में, उनको पता था कि मैं नहीं रहूंगा, ये बात नो ही है. जो आदमी और कहीं वो फेस पे, मतलब उस टाइम जो फोटोज और इंटरव्यूज वगैरह जी हाँ, यानी एक आदमी है ना जैसे हाँ ठीक है चलो, मतलब that doesn't bother me at all. You have seen the interviews, और लग रहा है कि अब next क्या? Unstoppable. मतलब ये कि उनको पता था कि मैं नहीं रहने वाला, अपने सुबेदार को हटा दिया कि तू चला जा, तू रहने दे, वो अपने तातीब ले आए कि चल तू जख्मी हो गए थे, और उनको पता था कि वहाँ बरस रही हैं गोलियाँ और सब कुछ हो रहा है, और लेकिन वो चूंकि मैं समझता हूँ कि वो छोटे थे ना, तो मैं बताऊँ आपको, मैं अक्सर ये सोचता था कि मैं एक गीता प्रेस की गीता ला के उनको, छोटी जो पॉकेट साइज वॉल्यूम होता है, मैं उनको दूंगा कि बेटा आप ये पढ़ो, क्योंकि मैं खुद बड़ा डिवोटी रहा हूँ भगवान कृष्ण का, और मैं गीता में बड़ा विश्वास करूँ. तो मैंने कहा मेरे मन में कि मैं ला के उनको दूंगा, और तो लेकिन वो तो बाद में लगा कि अरे वो गीता तो उनके अंदर जीवन था,
का जीवन था वो तो इनकार्नेटेड है। वही आप पढ़ रहे हैं, जो आप देखेंगे एग्जाम्पल देना है, जो वो तो और आगे निकल गए, वो तो आगे निकल गए, और भी आगे निकल गए। तो मैं सोचता ही रह गया, वो तो वो कर गए, वो कर गए। यही आदि शंकराचार्य और ये जो हमारे हुए हैं, छोटी सी लाइफ और क्वालिटी ऐसी कि आज तक इंस्पायर। हां बस वही ये होते ही इस तरह। हमने तो अभी कितने मान लीजिए कुछ ही साल हुए, 100 साल तक हम लोग रहेंगे, लेकिन नाम अब सदा के लिए हो गए। जी हम सदा के लिए हो गया, अमर हो गए। देखिए ये अब हम तो सभी के वक्त हैं, मतलब जैसे महादेव प्लानिंग करते हैं, वो बोलते हैं भाई तुम्हारा रास्ता मुड़ गया, अचानक से ये कैसा हो रहा था मुझे समझ नहीं आता, और यहाँ ले आए, आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ मेरे भी मन में प्रश्न ऐसे ही होता है, पिता मैं भी हूँ, मेरा भी बेटा बड़ा हो रहा है, ये होता है कि कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म किए जाओ, बस वो अपना पकड़ लेगा। और एकदम कहा इतनी बारिश में वो क्लियर लगा, वो फ्रेश है ना, वो लगा हुआ जी, हाँ जी हाँ। अभी बहुत पुराना नहीं लग रहा है, अभी उसको रिन्यू कराया है। अच्छा, खराब हो गया था तो अगर हम, हो सकता है खराब वाले में मिस करते, जब रिन्यू हुआ है उसके बाद बरसात में भी क्लियर दिखता है जी। अमर कहाँ खो गए तुम, जैक में कम से कम चले जाओ। कितना फ्लॉलेसली बता रहे हैं, और इतना बिकॉज़ ये कोई मिस्टेक नहीं है, परमी चेक तो मेडल है छोटा सा जो कि ऊपर रखा हुआ है, वो ठीक जी ऊपर रखा हुआ है। ऊपर हमने एक रूम बनाया हुआ है थोड़ा। अच्छा, उनका सामान उन्हीं के लिए जी, उनका मतलब उनके कुछ सामान वहाँ रखे हैं, उनके फोटो। अच्छा ये दिस ही हैज बीन एजुकेशनिस्ट, सो ही हैज बीन दैट, वो जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ, एक तो दिवाली के दिन क्या करते हैं, एक दिया पूजा में रखते हैं, फिर उससे जलते जाते हैं, हम लोग पूरा वो करते हैं। तो चरित्र निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ये तो पता नहीं कितने इंस्पायर होकर क्या क्या कर रहे होंगे। और आज की जनरेशन जो है ना जी, इसमें आप देखिए पेरेंट्स उनको यानी देयर नॉट प्रॉपरली ग्रूम केयर ग्रूमिंग देयर चिल्ड्रन, बहुत शैलो टाइप की होगी। मतलब अभी जैसे आज अगर भागवत गीता कहें, श्री रामचरित मानस कहें, तो ये कैसे वो कुंजी नहीं होती एग्जाम में, जिससे कुछ हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। वो चरित निर्माण वाली तो बात बात ही नहीं है। अभी ये देखिए हर घर तिरंगा करके ये अभी चल रहा है, चलो मोदी जी ने वो आह्वान किया है। इसमें भी मैंने कई लोगों को देखा कि हिचक जैसी, अभी हम दोनों जब कसम परेड होती है हमारी, तो जो पहली लाइन में होता है उसी को छूने को मिलता है, जो पीछे होगा उसको कंधा छूना है दूसरे का, तो वो परेड हो गई खत्म। अब हमारे जिंदगी भर के लिए हमारे ये रह गया कि यार काश अगली लाइन में खड़े होते, तो सिर्फ छूने को मिल जाता थोड़ा सा। उस वैल्यू को देखते हैं, और एक वैल्यू सिस्टम है कि यार लोगों को लग रहा है 500 रुपए का तिरंगा, 300 रुपए का तिरंगा, और उसके लिए फ्लैग पोल लगाना पड़ेगा। और एक होता है कि पूरा जिंदगी का कि यार मैं उसके अंदर, अगर अब हम तो रिटायर होके आ गए, पेंशन खा रहे, हर दिन ये लगता है कि ये लाइफ मतलब हमारी उधर ही है। आज भी हर महीने जब वो डिपॉजिट होता है पैसा, तो लगता है कि यार हाउ डू आई पे दिस बैक। बिल्कुल क्योंकि हमेशा ही एक्सपेक्ट करते रहना कि देश ही आपके लिए कुछ करेगा, सब कुछ किया है, तो आप भी तो कुछ कर नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए कुछ, और वो वैल्यू से हर वक्त ही उम्मीद रखने की करें, द कंट्री विल डू, द गवर्नमेंट विल डू, करती तो रही है भाई, तभी तो हम आज इस स्टेज में पहुंचे हैं, इस देश का खा रहे हैं, इस देश में पले हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस देश की हवा, इस देश का पानी, क्या नहीं, क्या नहीं, मतलब बाहर का है क्या। हाँ, तो फिर आप उसके लिए कुछ करने के लिए भी तो तत्पर रही है, मतलब कुछ एजेंडा लगाने की बात की आपने। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें अर्ज क्या है, उसने वहां किया है, और तो आपको मौका मिल रहा है। हाँ। पहले होता तो डीएम के ऑफिस में झंडा लगा रहता था, और आप चाह के भी नहीं लगा। हाँ, नहीं लगाते थे। आज आपको मौका मिला है, अवसर आपको मिल रहा है, और यू आर सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यू आर अलाइव टू सेलिब्रेट। पीएमओ ऑफिस से आया था जी, बेसिकली अमृत उत्सव का ही है ये वाला जी। हाँ, पीएमओ ऑफिस से भेजा गया।
ये भी अलग ही इंसान है प्रधानमंत्री. This was specially sent by the Modi ji. PM office is Modi ji. उनका इन चीजों पे ध्यान रहता है. उनका जो जैसे जो ऐप है उसमें 2-2.5 करोड़ लोग हैं. हर एक को उसके जन्मदिन के दिन पीएम से कार्ड जाता है. अच्छा जी, अब वो कोई आज से बहुत साल बाद बोलेगा ये हुए थे जो 2 करोड़ लोगों से टच में रहते थे और रोज कुछ इंस्पायर कर जाते हैं किसी न के. अभी खादी के छोटे छोटे संस्थान है, देयर हैंड्स आर फुल. जो बेचारे जिनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे अभी वो दिन रात लगे हुए हैं पूरा. 24 मेरे ख्याल से 26 करोड़ घर हैं भारत में, से ज्यादा ही होंगे. 26 करोड़ में अगर 10 करोड़ ने भी लगा लिया और तिरंगा जब आता है तो उसका वो अलग ही हिसाब हो जाता है. वो तो खुद ही आपको सिखाने लग जाता है. अच्छा 17 में आप करे थे ये तो मुझे बहुत पहले मिले हैं मोदी जी. आई सेट अलोंग विद हिम इन बॉम्बे. अच्छा जी मैम, दिमाग से निकल गया था. तो ये 4 बार हो गया फिर. जी हाँ, बॉम्बे में जैसे ये मोदी जी बैठे हैं जी, यहाँ पर जनरल मलिक बैठे थे और यहाँ पर मैं बैठा था. ये बात दिस वाज इन बॉम्बे. अभी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, कंटेस्ट कर रहे थे ये और इनकी रैली हुई थी बॉम्बे में. बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर देयर और मैंने इनको अपनी शुभकामनाएं वहां पर दी थी. कौन सा साल कौन सा था ये समझिए, जब 14 से पहले का साल है ये. अच्छा, 14 में पहली बार बने हैं ये. हाँ, 14 में बने. 14 में पहली बार बने हैं तो ये 14 से पहले इनको प्रोजेक्ट कर दिया गया था कि ही इज अवर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी. अच्छा, तो यानी 13 की बात. हाँ, 13 सितंबर के. हाँ, बस बहुत बड़ी रैली थी वो और मैं मंच पर ही था. अच्छा, और बस यहाँ थे, यहाँ पर जनरल मलिक थे, इधर मैं था, पीछे लता मंगेशकर जी भी थी मुझे याद है. और दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट. उसी के बाद तो कितना कुछ बदला. हाँ, मतलब और मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी और मुझे आज तक याद है ये बात कि इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है तो हम नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर बनाएंगे. और मुझे इस बात में खुशी भी होती है और गर्व भी होता है कि ही फुलफिल्ड हिज कमिटमेंट. एंड इन व्हाट वे. मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं जब देखता था ना फाइल्स होती थी फाइल्स होती थी, जैसे मान लीजिए किसी का भी कितना भी परम विचक्षण. इफ यू वांट टू नो अबाउट हिम देयर इज अ फाइल व्हिच यू हैव टू टर्न और एक फाइल के ऊपर एक फाइल यानी दब भी रही है तो अपमान है. अभी क्या कर दिया कि वो टैबलेट्स तो है ही है पूरी. ऐप बना दिया है कि आप जिसके बारे में जानना चाहो. हर रोज एक परिवार आता है और अब तो वो 26 जनवरी और वो वाला भी स्टार्ट कर दिया. और ऐसा लगा कि ये कैसे हो गया, हम लोग वही रहते हैं. वो बस कवर था, खुला तो देखा ये सब बन गया. और फिर परमवीर चक्र वाला वो उद्यान, कोई भी यंग बच्चा जाता है एक बार गोल घूम के निकलता है उसके दिमाग पे जो इम्प्रेशन बनता है वो तो है ही है. और इनके इनका सबसे ज्यादा डर लोगों का यही लगता है कि वो उनके प्रॉमिस वो फुलफिल कर देते हैं. वो फुलफिल कर रहा है इसी बात का तो डर लगता है लोगों को. मुझे याद रहा ना कि ही सेड एट दैट टाइम कि नहीं मैं ये करूंगा और जब उन्होंने बना दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं कह यार ये फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. उसी का तो डर है लोगों को. चलो देश को चाहिए था जी ऐसा प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने भी अपनी हिस्ट्री बना ली है. हिस्ट्री वैसे ही नाम है जैसे मतलब हर आदमी एक काम के लिए आता है. उन्होंने रीसेट करनी थी क्लॉक. बहुत हो गया ये. हम लोग पढ़ते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री और ऐसे मेरा भारत महान करके जोक्स बोलते थे लोग और चुपता था और हम लोग इतने हेल्पलेस फील करते थे कि मैं एक जगह साफ भी कर दूं ठीक भी कर दूं तो क्या होगा. अब क्या है कि अब शांति से साइड में बैठ के तो ये देखिए ये पूरा मतलब दिस वाज आज का दिन हमारा और ये ट्रिप पूरी ये बन गई. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं धन्यवाद तो आपको क्या दूं, मतलब दिस इज ये धन्यवाद के भी बियॉन्ड हो गया है सर. सो नाइस सर, थैंक यू. फिर कभी अगर हम आते हैं तो आप मिलने अवश्य आएंगे.
चलिए।